हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोटर ड्राइवर आईसीस L293D या L298 क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें मोटर ड्राइवर आईसी की ज़रूरत क्यों है। व्हाट्स द नीड ऑफ मोटर ड्राइवर आईसी। सपोज़ कि आपको एक मोटर को रन करना है। अगर आप सिंपली एक मोटर को रन करना चाहते हो तो यू विल नीड अ बैटरी, अ स्विच एंड अ मोटर। When you will turn on the switch, the motor will start rotating, and when you switch it off, then the motor will stop. तो इस तरह से आप सिंपली एक मोटर को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो। अब अगर आपको स्विच की हेल्प से स्टार्ट या स्टॉप ना करना हो, आप चाहते हो कि किसी आईसी के थ्रू आप सिग्नल दो तब मोटर स्टार्ट हो या स्टॉप हो, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के ऊपर हमने मोटर को जोड़ दिया और ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और ट्रांजिस्टर के बेस पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो जब ट्रांजिस्टर के बेस पे हाई सिग्नल आएगा तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, मोटर को VCC पहले से मिल रही होगी और ग्राउंड अब ट्रांजिस्टर के थ्रू मिलने लगेगा और मोटर चलने लगेगी। जब हम ट्रांजिस्टर के बेस पर लो सिग्नल देंगे या ज़ीरो देंगे, देन इन दैट केस मोटर की सप्लाई कट जाएगी, मीन्स कि उसका ग्राउंड कट जाएगा और मोटर रोटेट करना बंद कर देगी। बट इस केस में हम मोटर को किसी एक ही डायरेक्शन में चला सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम चाहें कि हम मोटर की डायरेक्शन भी चेंज कर ले साथ ही साथ, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा सर्किट चाहिए होगा जिसमें हम चार ट्रांजिस्टर या चार मॉसफेट का यूज़ करेंगे, Q1, Q2, Q3 और Q4। हमने Q1 और Q3 का ऊपर का हिस्सा VBAT के पॉजिटिव से जोड़ दिया है, मतलब पॉजिटिव बैटरी वोल्टेज से, और Q2 और Q4 का नीचे का हिस्सा हमने निगेटिव से जोड़ दिया है। ये ऊपर का हिस्सा हमारा कलेक्टर हो सकता है ट्रांजिस्टर के केस में और नीचे का हिस्सा एमिटर हो सकता है। जब हम Q2 और Q3 को ऑन करेंगे तो हमारे मोटर के एक एंड पे यानी राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगी और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वोल्टेज आएगी या ग्राउंड आएगा। इन दैट केस मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ इन द सेकंड केस वी हैव स्विच द पोलैरिटी। हमने ट्रांजिस्टर Q1 और Q4 को ऑन कर दिया है इसमें और Q2 और Q3 को ऑफ कर दिया है। इन दिस केस सप्लाई इज़ रिवर्स्ड, सो मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो ये सर्किट होता है अगर हमें किसी मोटर को दोनों डायरेक्शन में यानी बो डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट कराना होता है। तो जो हमारी मोटर ड्राइवर आईसी होती है उसके अंदर इस तरह का ही एक सर्किट लगा होता है। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द पिन आउट ऑफ बोथ द आईसीज L293D एंड L298। दोनों में ही लगभग सेम पिंस होती हैं, बट दोनों आईसीज का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। कुछ करंट, अमाउंट ऑफ करंट जो दोनों पास कर सकती है वो डिफरेंट होती हैं। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे L293D। इसमें पहली पिन जो हमारी फर्स्ट पिन है वो है इनेबल की, इनेबल 1-2। इनेबल 1-2 मीन्स कि हमारी जो ये आईसी है, सिंगल आईसी से हम दो मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें 1 और 2 का मतलब हो गया कि हमारा इनपुट 1 और इनपुट 2 हमने दोनों को इनेबल कर लिया है और आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दोनों को इनेबल कर लिया हमने। तो फर्स्ट पिन है इनेबल 1-2 की, सेकंड पिन है हमारी इनपुट 1 की, थर्ड पिन है आउटपुट 1, देन ग्राउंड, अगेन ग्राउंड, आउटपुट 2, इनपुट 2 और VCC 2। अगेन सेकंड हैंड दूसरे साइड पर हमारे राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ 9th पिन है इनेबल 3 एंड 4, देन इनपुट 3, आउटपुट 3, ग्राउंड ग्राउंड, आउटपुट 4, इनपुट 4 एंड VCC 1। VCC यहाँ पर दो है, जो VCC 1 है इस पर हम 5 वोल्ट भी देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, हमारे आईसी की इंटरनल सर्किटरी जो मॉसफेट लगे हैं या ट्रांजिस्टर्स लगे हैं वो ऑन और ऑफ हो जाएंगे। जो VCC 2 है यहाँ पर हम जो भी वोल्टेज देंगे वो ही वोल्टेज आउटपुट पर आएगी। लाइक हमने VCC 2 पर अगर 12 वोल्ट दिया है तो आउटपुट 1, 2, 3, 4 इन सब पे जब हाई सिग्नल आएंगे तो 12 वोल्ट आएगी, हाई का मतलब 12 हो जाएगा। अगर हम VCC 2 पे 9 वोल्ट देंगे तो इन पे 9 वोल्ट आएगी। नाउ अगर हमें
लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करना है, तो हम इनेबल 1-2 वाली पिन को एक हाई सिग्नल देंगे। नाउ इनपुट 1 पर जो भी सिग्नल देंगे, हाई दें या लो दें, वही सिग्नल आउटपुट 1 पर आ जाएगा, और इनपुट 2 पर जो सिग्नल देंगे वही सिग्नल आउटपुट 2 पर आ जाएगा। ग्राउंड की पिंस को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। सेम यही काम हम राइट हैंड साइड पर भी करेंगे, और इसी तरह से हम L298 में भी कनेक्शन करते हैं। ये इनका टेबल है एक तरीके का। टेबल में हम देख सकते हैं कि इनपुट 1-2 को हमने जैसे इनपुट ए और बी बोल दिया है, अगर हम एक पे हाई देंगे, एक इनपुट पे हाई दें दूसरे इनपुट पे लो दें, तो मोटर किसी एक डायरेक्शन में घूमेगी, या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। बट अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, यानी कि इनपुट ए पर लो कर दें और इनपुट बी पर हाई कर दें, देन मोटर अपना रोटेशन चेंज कर लेगी। अगर वो पहले क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी तो अब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगी। बट अगर दोनों पिंस पर हाई होगा या दोनों पिन पर लो होगा तो हमारी मोटर रन नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोल्टेज डिफरेंस। दोनों आउटपुट 1 और आउटपुट 2 पर अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तो मोटर रोटेट नहीं करेगी, दोनों पर सेम पोलैरिटी आ रही है इस समय। एक और केस इसमें होता है कि अगर हमने इनेबल पिन पर 0 दिया हुआ है तो भी मोटर रोटेट नहीं करेगी, चाहे इनपुट ए और बी पर कोई भी सिग्नल आ रहा हो। अब हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। कनेक्शन को हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, लाइक हमारा जो VCC2 था वो उसके लिए था, जो भी यहाँ पर सिग्नल आएगा वहीं आउटपुट पर आएगा। और हमारा जो पिन नंबर 16 है, इस पर हमने 5 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है। पिन नंबर 1 पे अगर चाहें तो रेगुलर हम 5 वोल्ट दे दें तो ये वाला पार्ट हमेशा के लिए ऑन रहेगा। अदरवाइज़ आप किसी माइक्रो कंट्रोलर से इसको कनेक्ट कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग आप इसको जब चाहो तब हाई और लो सिग्नल दे सकते हो। और आउटपुट पिन पर मोटर को कनेक्ट कर दिया गया, बाकी पिन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये चली जाती है कंट्रोलिंग यूनिट पर या माइक्रो कंट्रोलर पर या आर्डिनो पर, जहाँ से भी आप इसको कनेक्ट करना चाहें। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है L293D के कनेक्शन का। डी का क्या मतलब है? डी का मतलब है डायोड। ये कौन से डायोड है ये हम आगे अभी डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम देख लेते हैं L298 में क्या डिफरेंस आ जाता है। लगभग सब कुछ सेम है, इनेबल भी वैसे ही है, इनपुट भी वैसे ही है, आउटपुट भी वैसे ही है, बट इसके अंदर डायोड नहीं लगे होते हैं। डायोड का यूज़ क्या है? जो हमारी मोटर होती है, मोटर इज़ अ काइंड ऑफ इंडक्टिव लोड। जब कोई मोटर ऑफ होती है या कोई इंडक्टर से अगर हम सप्लाई हटाते हैं तो इंडक्टर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इंडक्टर अपनी कंडीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। दैट मीन्स कि अगर उसमें से करंट पास हो रही है तो वो चाहेगा कि मेरे अंदर से रेगुलर करंट पास हो। तो जब इंडक्टर को हम सप्लाई देते हैं तो अपने अक्रॉस ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, और जब ये सप्लाई हटाई जाती है तो वापस से यही मैग्नेटिक फील्ड करंट बन जाती है। यानी जैसे कैपेसिटर में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हट जाते हैं, रिपल हट जाते हैं, वैसे ही इसमें करंट हटती है। तो ये जो करंट बनती है जिस समय सप्लाई नहीं होती, उस समय जब ये करंट फ्लो करती है उस समय इस इंडक्टर के अक्रॉस काफ़ी हाई वोल्टेज भी जनरेट हो जाता है। तो ये जो हाई वोल्टेज है ये हमारे सर्किट को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इस हाई वोल्टेज को सप्रेस करने के लिए हम एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा लेते हैं। तो ये जो 4 डायोड ऊपर और 4 डायोड नीचे दिख रहे हैं ये वही फ्री व्हीलिंग डायोड है। पहले L293IC आती थी जिसमें कि ये डायोड बाहर से लगाने पड़ते थे, बट अब जो IC आ गई है वो है L293D जिसमें ये डायोड पहले से लगे होते हैं। बट इन द केस ऑफ L298 यू हैव टू कनेक्ट दीज डायोड्स एक्सटर्नली। नाउ अगर आप इसको किसी आर्डिनो से कनेक्ट करना चाहते हैं तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि इनेबल की पिंस को आप चाहें तो परमानेंट हाई से कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जब आप चाहें तब यहां से सिग्नल दे करके आर्डिनो से इसको अपने अकॉर्डिंग हाई या लो कर सकते हैं। इनपुट पिन को हमने आर्डिनो से कनेक्ट कर दिया, इनपुट 1 पिन को भी, इनपुट 2 पिन को भी। देन मोटर की जो पिन है उसको हमने आउटपुट से कनेक्ट कर दिया, आउटपुट 1 और 2 को। इस फिगर में खाली लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा यूज़ करते हुए दिखाया गया है, और इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट इमेज इन विच व्हेन यू विल स्विच प्रेस द स्विच देन द मोटर विल ऑन, एंड व्हेन यू विल रिलीज द स्विच द मोटर विल टर्न ऑफ। कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर कंपैरिजन करें L293D और L298 के बीच में, तो मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज जो हम दे सकते हैं, जो VCC जो कि आउटपुट पिंस पर आनी है, वो L293 में 36 वोल्ट है एंड L298 में इट इज़ 40 वोल्ट। सो इट्स क्वाइट हायर, 4 वोल्ट हायर। पीक आउटपुट करंट वी कैन ड्रॉ 1.2 एम्पियर फ्रॉम L293D एंड
2.5 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली डबल फ्रॉम L298। कॉन्टीन्यूअस आउटपुट करंट इज 0.6 एम्पियर एंड इन द केस ऑफ L298 इट इज़ 2 एम्पियर कॉन्टीन्यूअस करंट। पीक करंट जो होती है हमारी वो हम पल्सेस के फॉर्म में लेते हैं या फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन हम लेते हैं उसको, लेकिन जो कॉन्टीन्यूअस लेते हैं जिससे कि ऐसी हमारी हीटअप ना हो, ख़राब ना हो, वो करंट काफ़ी कम होती है। तो ये करंट अगर हम L293 में देखें तो ये पीक करंट की जस्ट हाफ है, लेकिन L298 में ये 2.56 सिर्फ 2 एम्पियर पे ही गिर रही है। पावर डिसिपेशन 5 वॉट झेल सकता है L298, 5 वॉट के ऊपर ये ख़राब हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर हम पावर इससे लेते हैं मीन्स कि हम इस पर हाई वोल्टेज भी देते हैं और हाई करंट भी खींचते हैं इससे, और ये 5 वोल्ट से ऊपर चला जाता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये ख़राब होने के चांसेस हैं। L298 में ये वैल्यू 25 वॉट तक जा सकती है, मीन्स अगर आप इससे 2.5 वोल्ट आप इस आउटपुट पे ले रहे हो और 2 एम्पियर करंट ले रहे हो, तो ये 5 वॉट तक रीच कर गया L293D। बट इन द केस ऑफ L298 आप इसमें काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज भी दे सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट भी ड्रॉ कर सकते हो, यानी हैवी लोड लगा सकते हो, बड़ी मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ आप। थैंक यू सो मच।